बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, जो पूरी घटना है उसको लेकर लोगों का गुस्सा होना, सवाल उठने लाजमी सी बात है। सरकार खुद को बचाने में लगी हुई थी, तमाम विधायक, तमाम नेता, मुख्यमंत्री, और उस बेटी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। आप ये समझे ना कि कलकत्ता से बसें मंगाई गई लतरातू डैम में पिकनिक करने के लिए, हेलीकॉप्टर मौजूद है, हेलीकॉप्टर या एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई उस लड़की के लिए, छोटी बच्ची के लिए। इसलिए प्रशासन ने इस दुमका से पीलू सोरेन जी और उनका पूरा परिवार, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, इस दुमका ने तो उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस दुमका की यह हालात थी। और हम बच्ची को नहीं बचा पाए, प्रशासन को कंप्लेन करता रहा उसका परिवार, वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो SDPO है, उसके लिए लोग आक्रोशित है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर अब कोई महिला की इज्जत का सवाल होगा, क्योंकि वो मुस्लिम लड़का था, मुस्लिम SDPO था, तो वो उसको बचा नहीं पा रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस लड़की का, आप समझे कि जब उसकी जान नहीं थी, उसके पहले जो उसने अखबार को बताया या उसने मजिस्ट्रेट को जो बताया, उसने दो अपराधी का नाम बताया, एक अपराधी को ही पकड़ा गया। कल जब पूरी दुमका की जनता आक्रोशित हो गई, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी की जनता नहीं है, आम लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कुछ लोग अभी भी थाने में बंद है, 144 लागू कर दिया गया है। लेकिन जब जनता आक्रोशित हुई तो कल दूसरे अपराधी को रात में किसी तरह से पकड़ा गया है। इस तरह से प्रशासन चलेगा? एक तो हम उस बच्ची का जान नहीं बचा पाए, इससे ज्यादा कलंकित करने वाली घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैंने आजादी के इतिहास में बहुत कम देखा कि खुलेआम एक लड़की को एक तरफा प्यार में कोई जला देता है, पेट्रोल छिड़क कर किसी जिंदा आदमी को इस तरह से जलाते हुए आपने देखा है? एक छोटी सी मासूम बच्ची की जान हम नहीं बचा पा रहे हैं, लोग सरकार बचा पा रहे हैं? इस तरह का सरकार रखकर क्या करिएगा? और आज भी वो SDPO जिसके कारण की पूरी जनता आक्रोशित है, उसी के कारण ये घटना हुई, आज भी ना उसको सस्पेंड किया गया, ना उसको डिस्मिस किया गया, आज भी पुलिस प्रशासन आम जनता को प्रताड़ित कर रही है। मैंने कहा कि काफी लोगों को थाने में बंद कर दिया गया है, 144 लगा दिया गया है। इस तरह का प्रशासन चला, और कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का, राहुल गांधी जी का तो ठीक, छोटी छोटी चीजों पर आ जाता है, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता का किसी का ट्वीट भी नहीं आया है, स्टेटमेंट की तो बात छोड़ी, मुख्यमंत्री वहां विजिट करने तक नहीं गए। इससे ज्यादा मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसकी भर्त्सना करूं। मैं इतना ही कहूंगा कि आम जनता है, और आम जनता के जरिए ये आम जनता मुख्यमंत्री आवास तक किस दिन पहुंच जाएगी उसका कोई अंदाजा नहीं। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए निशिकांत दुबे जी, बीजेपी के सांसद, यहाँ पर कहते हुए कि नाम देखकर, धर्म देखकर यहाँ पर कदम उठाए जाते हैं झारखंड के सोरेन सरकार की ओर से, ताकि अपने वोट बैंक को खुश रखा जा सके। तुष्टिकरण की राजनीति करती है सरकार, बीजेपी का सीधा हमला है सोरेन सरकार पर ये कि क्यों नहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर या लड़की को दिल्ली के एम्स में एडमिट कराने का इंतजाम व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई। लड़की ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, और सरकार क्या कर रही थी? सरकार नौकायान कर रही थी, सरकार वोटिंग कर रही थी, खुद को बचा रही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।